Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. So, turning your eyes from this to this. And yes, this is called the siren eye look. तो मैं आपके साथ सिर्फ siren eye look नहीं, doe eye look भी share करने वाली हूँ. तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं. तो शुरुआत होगी कंसीलर से. तो सबसे पहले मैं अपना आई बेस क्रिएट करूँगी और आई बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कवर गर्ल का कंसीलर. ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है. तो इसमें जो वॉन्ड आया है उससे, जो एप्लीकेटर है उससे मैं अपनी आईज़ पे इस तरीके से लगा दूँगी और अपने आउटर थर्ड पे मैं इस तरीके से विंग की शेप में करूँगी और फिर ब्रश से मैं इसको अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर दूँगी और फिर कॉर्नर्स पे जब मैं आउटर थर्ड पे वर्क करूँगी आप देखना मैं इस तरीके से अपवर्ड मोशन में लेके जाऊँगी. पहले से ही मैं अपने आई को इस तरीके से प्रिपेयर करके चलूँगी ताकि वो एलोंगेटेड लुक रहे. तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कंसीलर को हमेशा पैक करना होता है. कंसीलर को पैक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर. दो दिस इज़ वाइट इन कलर बट ये ट्रांसपेरेंट है. आप अपने कंसीलर पे लगाएंगे तो ये दिखेगा नहीं बट ये अपना काम पूरी अच्छी तरीके से करेगा. ये आपके कंसीलर को पैक कर देगा और क्रीजेस बिल्कुल नहीं फॉर्म होने देगा. जब भी आप अच्छा आई मेकअप करना चाहते हैं तो आपको आई बेस पक्का से क्रिएट करना होता है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये एल्फ कॉस्मेटिक्स का 8 Hit Wonders आई शैडो पैलेट. दिस इज़ अ न्यू ड्रग स्टोर आई शैडो पैलेट और इसमें से मैं ये पीची शेड यूज़ करूँगी. एक फ्लफी ब्रश लेके जो बहुत, जिसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों और बहुत अच्छे से जो वर्क करे वो मैं ब्रश लूँगी. ये पीची शेड लूँगी उस ब्रश पे थोड़ा सा और फिर अपने आईज़ पे लगाना शुरू करूँगी. और इसमें मैं क्या करूँगी, अच्छे से अपने सॉकेट पे कवरेज दूँगी, फिर अपने इनर कॉर्नर्स पे लेके जाऊँगी थोड़ा सा और फिर आउटर कॉर्नर्स पे मैं एक स्मजी विंग क्रिएट करूँगी. विंग दिखेगा नहीं बट इस तरीके से अगर मैं करूँगी तो मेरी आईज़ वो सायरन आई लुक, जो वो इलोंगेटेड आई लुक खुद ही हो जाएंगी. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये डार्क शेड जो कि है सुप्रीम शेड फ्रॉम द सेम आई शैडो पैलेट और इसको मैं डिपॉजिट करूँगी अपने आईज़ के कॉर्नर्स पे सबसे पहले ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट कॉर्नर्स पे ही रहे आईज़ के कॉर्नर्स पे और फिर इस तरीके से इसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से. इस बार थोड़ा हार्ड ब्रशेज वाला ब्रश ले रही हूँ ताकि ब्लेंडिंग हो और इस ब्रश से मैं सर्कुलर मोशंस में इस तरीके से अप्लाई करूँगी और फोकस मेरा रहेगा इलोंगेटेड लुक के लिए, वो आउटर विंग क्रिएट करना आउटर थर्ड पे और इस तरीके से उसको स्मज करना अच्छे से अपने आउटर कॉर्नर्स पे. बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड करना है ये अपने इनर कॉर्नर्स पे भी और आउटर कॉर्नर्स पे. इस तरीके से अपवर्ड मोशन में थोड़ा टिल्ट करके अपना ब्रश इस तरीके से आपको इलोंगेटेड लुक देना है, वो एनहैंस्ड लुक देना है. फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक जेल आईलाइनर और फिर एक ट्रायंगलर ब्रश की हेल्प से एक मतलब नॉन परफेक्ट विंग क्रिएट करूँगी क्योंकि एनीवेज हमें ये स्मज करना है. तो मैं एक पॉइंटेड ब्रश लेके, एक पेंसिल ब्रश लेके इसको अच्छे से स्मज कर दूँगी और स्मज करने के बाद ये फाइनल लुक आएगा इसका गाइज. उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा कंसीलर लूँगी और जो भी एप्लीकेटर पे है बचा हुआ कंसीलर उसको मैं अपने जो विंग मैंने क्रिएट किया है उसके नीचे अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा विंग मैंने क्रिएट किया है ना स्मज विंग वो थोड़ा शार्प लगे, बहुत मतलब नीट लुक है उसका. इस तरीके से मैं कर दूँगी फिर उसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से ब्रश से ब्लेंडर से जिससे भी आपको करना है. देन व्हाट आई एम गोना डू इज़ जो हम सायरन आई लुक क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको फॉक्सिया आई लुक देना है, बेसिकली आपको इनर कॉर्नर्स पे भी विंग क्रिएट करना है. तो उसके लिए मैं ये नेक्स्ट प्रोफेशनल मेकअप दैट्स द पॉइंट आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, इट्स इन द शेड ब्लैक और इस तरीके से मैं एक विंग अपने इनर कॉर्नर पे क्रिएट करूँगी. फिर जब विंग क्रिएट हो जाएगा इनर कॉर्नर्स पे से मैं थोड़ा सा अपने सेंटर की तरफ लेके जाऊंगी और जो मैंने आई शैडो लगाया था ब्लैक कलर का जो स्मज किया था उसे ज्वाइन कर दूंगी ताकि वो प्रॉपर नीट लुक आए, फिनिश्ड लुक आए. देन जो हमने डार्क शेड यूज़ किया था ना सुप्रीम शेड वही मैं अपनी वाटर लाइन पर भी लगाऊंगी, इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी. और ये स्टेप आप बिल्कुल मिस मत करना, काफ़ी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बस अपने सॉकेट्स पे अपने आईलिड्स पे लगा लिया और लोअर लैश लाइन पे लगाने की डील नहीं है, बट ऐसा नहीं है. तो मूविंग ऑन मैं यूज़ करूँगी ये आईलैश कलर और इसको बैक एंड फोर्थ मोशन में मैं इस तरीके से टिल्ट करूँगी ताकि वो मेरे आईलैशेज और अच्छे से शेप आया अब मेरी आई लैशेज़ की. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा फ्रॉम लॉरियल और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है. तो
मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगी, अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करूंगी, सॉरी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी, और हेयर इज द फाइनल लुक गाइज। इलॉन्गेटेड आई लुक, ये थोड़ा आप देख रहे हो आईज अपनी बड़ी लगती हैं आपकी, बड़ी एज इन की लंबी, इलॉन्गेटेड लगती हैं आपकी आईज, तो इनर कॉर्नर से स्ट्रेच होती हुई आपके आउटर कॉर्नर तक जा रही हैं। तो येस, दिस वे दिस वॉज द इलॉन्गेटेड आई लुक विच इज़ कॉल्ड द सायरन आई लुक। उसके बाद मैं क्रिएट करूंगी द डो आई लुक। सो बिफोर बिगनिंग लेट्स सी द बिफोर एंड हेयर इज द आफ्टर। सो आप देख रहे हो दोनों आई लुक बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो इलॉन्गेटेड एंड ये है डो आई लुक, इनलार्ज्ड आई लुक। तो इसके लिए मैं सेम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करूंगी जो मैंने इलॉन्गेटेड आई लुक के लिए, सायरन आई लुक के लिए यूज किए थे। कंसीलर लगाऊंगी इस तरीके से। इस बार मैं आउटर थर्ड पे कोई फोकस नहीं करूंगी, पूरी आई को कवरेज देते हुए राउंड सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश से डैब डैब करके ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। फिर मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी शुगर कॉस्मेटिक्स का और अपने कंसीलर को पैक कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट उठाऊंगी। इसमें से मैं ये पीची शेड फिर से लूंगी और अपने आईज पे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से लगाऊंगी अपनी आई पे। और इस टाइम मैं कोई आउटर थर्ड पे कुछ नहीं डिपॉजिट करूंगी, कोई विंग नहीं क्रिएट करूंगी, बस इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जैसे आप अपने आईलिड को कवरेज देते हो उस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद मैं सेम सुप्रीम शेड में डिप करूंगी अपना ब्रश और थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके, थोड़ा सा आई शेडो लेके, और सेम जिस तरीके से मैंने पीची शेड ब्लेंड किया था उसी तरीके से मैं इस शेड को भी ब्लेंड कर दूंगी विदाउट इलॉन्गेटिंग द आउटर थर्ड। आप देख रहे हो मेरा सारा फोकस सिर्फ मेरे आईज के सेंटर पे है, आईज के सॉकेट पे है, या आप ये कह सकते हो कि मेरी क्रीज पे है। उसके बाद मैं सेम शेड यूज़ करूँगी और अपने वाटर लाइन पे लगाऊंगी इस तरीके से। आप देख रहे हो सेम इसी तरीके से मैं लगाऊंगी। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लाइनर, आई लाइनर यूज़ करूँगी मैं NYX प्रोफेशनल का, और यूजुअल तरीके से जो आप स्टैम्पिंग करके लगाते हो उसी तरीके से मैं अप्लाई करूँगी आई लाइनर भी, और कोई विंग नहीं क्रिएट करूँगी, कुछ एक्सटेंशन नहीं करूँगी अपने लाइनर से, अपनी नेचुरल लैश लाइन को फॉलो करूँगी और एक आई लाइनर क्रिएट करूंगी अपनी आई पे। फिर आईलाइनर लगाने के बाद जो सबसे मेन स्टेप है डो आई लुक का, वो है एक वाइट या स्किन शेड का काजल यूज करना और इसको अपने वाटर लाइन पे लगाना। ये मस्ट है अगर आपको एक इनलार्ज्ड आई लुक क्रिएट करना है या डो आई लुक क्रिएट करना है। इससे आपकी आईज ऑटोमेटिकली बड़ी लगने लगती हैं। अब आप देखना डिफरेंस। मैं फिनिश करती हूँ लैशेज कर्ल करके, फिर मस्कारा अप्लाई करूँगी, एंड यू गाइज जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज। सो ये है हमारा डो आई लुक। आप देख रहे हो दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इलॉन्गेटेड आई लुक। इलॉन्गेटेड आई लुक में आप अपनी आईज की लेंथ को एक्सटेंड कर रहे हो, इलॉन्गेट कर रहे हो, और डो आई लुक में आप अपने आई को बड़ा कर रहे हो, एनलार्ज कर रहे हो। तो आपने देखा किस तरीके से आप मेकअप टेक्निक से अपना टोटल आई लुक, टोटल मेकअप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इलॉन्गेटेड लुक चाहिए, सायरन आई लुक चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग मेकअप करोगे, और अगर आपको एनलार्ज्ड आई लुक चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग मेकअप करोगे। तो अब हम दोनों आई लुक एक साथ देख लेते हैं। तो ऑन माय राइट साइड मैंने सायरन आई लुक क्रिएट किया है और मेरे लेफ्ट आई पे मैंने डो आई लुक क्रिएट किया है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंट है दोनों आई लुक। सो येस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी हो तो कॉमेंट करके मुझे बताओ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब।
and keep supporting, keep loving, and stay tuned for the brand new one. Bye guys.